What's up, family? Welcome back to my channel. It's me Aditya, and it's yet another challenge video on my channel. So, काफी ज़्यादा time बाद मैं वापस एक food color challenge ले आया हूँ, जो आप लोगों ने title और thumbnail से तो पता कर ही लिया है. लेकिन यार, I'm not wearing orange. एक second रुको. So, ये आ गया मैं अपने orange getup में. अब I don't have the proper orange color. थोड़ा light orange है. चला लेना काम यार थोड़ा सा. हम अपने इस हेयर स्टाइल को इग्नोर करेंगे, हम इस बियर्ड को इग्नोर करेंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आज का चैलेंज बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज और ऑरेंज खाना है. तो आ जाओ यार, लेट्स गो टू आवर किचन, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं. इट्स ऑलरेडी 11 इन द मॉर्निंग, बहुत ज्यादा भूख लगी है. अभी अभी मार्केट से जाके आया हूँ, मैं नहा लिया हूँ अच्छे से. सो आओ लेट्स मेक अ ब्रेकफास्ट. वॉइस ओवर विद मी, आप लोगों का स्वागत है. आज हम लोग मुरामन बनाने वाले हैं एज यूजुअल. तो मैंने इसमें एक मसाला डाल दिया है एक बॉइलिंग वाटर के अंदर, एंड मैंने 2 कप्स ऑफ वाटर लिया है. तो इट्स ऑल अपॉन यू कि मेरे को सूपी रामन पसंद है. और फिर मैंने उसमें इंस्टेंट नूडल्स डाल के उसको मैं बॉइल कर रहा हूँ, एंड फाइनली इट्स रेडी. तो जी इट्स नाश्ता टाइम, और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने क्या बनाया है अपने लिए. तो रामन रेसिपी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दे दी थी, और इस वीडियो में मैंने वापस से दे दी है. और रामन, आई लव ईटिंग रामन. जैसे ही मेरे को याद आया कि रामन ऑरेंज कलर की बनती है, आई डिड दिस चैलेंज. तो ये रही मेरी रामन, एंड इट्स ऑरेंजिश इन कलर. और इसके साथ आई हैव दिस मोगू मोगू कुछ ऑरेंज करके. दिस इज समथिंग इन ऑरेंज कलर, और ट्रस्ट मी मैंने आज तक कभी नहीं पिया इसके अंदर. मेरे को प्रॉपर वो सम स्लाइसेस दिख रही है. अब आई डोंट नो वो किसकी स्लाइसेस है, क्योंकि ऑरेंज में तो स्लाइसेस नहीं होती. आई होप आप लोगों को भी दिख रही हो. आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट दिस. पहले एक बार ये पीते हैं, रामन तो खाइए. स्लाइसेस डेफिनेटली ऑरेंज की नहीं है, इट्स समथिंग जेली. आई थिंक अगर आप लोगों की डाइट कम है, दिस वुड बी इनफ फॉर यू. सही में मेरा पेट इतना ज़्यादा भर चुका है इस टाइम पे, आई कांट इवन टेल यू. आई एम सुपर डन फॉर दैट. सो आई मीट यू एट लंच. तो नमस्कार जी, वापस से आप लोगों का स्वागत है मेरे साथ लंच बनाने के लिए. टेक ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, हम लोग ऑरेंज सॉस पास्ता बनाने वाले हैं. यहाँ पे मैंने बटर लिया है, एंड बटर के मैं अनियन का मैं अच्छे से भून रहा हूँ टिल इट गेट्स अ गोल्डन ब्राउनिश कलर. उसके बाद मैं अगेन बटर लूँगा, एंड इसके अंदर मैं मैदा डालूंगा. मैदा को मैं अच्छे से भून लूँगा अंटिल वो ब्राउनिश सी कलर की ना हो जाए. नाउ आई एम एडिंग मिल्क, तो उसको अच्छे से करने से कि लम्स ना आ जाए इसके अंदर, एंड देन लेट इट बॉइल फॉर अ टाइमिंग. इसके बाद मैं इसमें तंदूरी मेयो डाल रहा हूँ बिकॉज आई लव दैट तंदूरी टेस्ट, एंड अगेन लेट इट बॉइल फॉर टाइमिंग. अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगा, ओरिगानो डालूंगा, शुगर डालूंगा. अगर आप लोग का फूड कलर हो वो भी डाल देना आप लोग. एंड नाउ आई एम एडिंग ब्लैक पेपर, एंड इट्स सॉस इज रेडी. अब बस इसमें पास्ता डालना है. अरे जी हेलो हेलो, तो लंच टाइम हो चुका है, और लंच के लिए जो मैंने बनाया है ऑरेंज सॉस पास्ता, जो आई डोंट नो लाइट में बार बार येलो क्यों लग रहा है, बट इट इज इन ऑरेंज कलर. अब ऑरेंज दिख गया. सो डू ट्राई दिस एट होम, एक बार पहले मैं टेस्ट कर लूँ फिर बताता हूँ. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. हल्की सी मिर्ची ज़्यादा हो गई है, क्या लाइक इट स्पाइसी. इतना से मिर्ची खा के उनको हिचकी आती है स्टार्टेड, बट आई लव ईटिंग स्पाइसेस स्टिल. आई थिंक ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली, तो आई स्ट्रेट अवे म्यूट यू एट स्नैक्स टाइम. हेलो जी हेलो, एंड इट्स स्नैक्स टाइम. विच टाइम स्नैक्स टाइम. सो मेरे पास स्नैक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे. फर्स्ट इट इज जिंजर बेव समथिंग करके, तो ओरिजिनली मुझे मिरिंडा लगी थी इसलिए मैंने इसको खरीद लिया, बट मेरे को बाद में मिरिंडा है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे कुरकुरे, और ये तो अंदर से होते ही ऑरेंज है, तो इसका तो डाउटेज नहीं है. सेफ साइड.
उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चक्री चकली आई डोंट नो व्हाट डू यू से बट इट्स समथिंग लाइक दिस गोल गोल सा सो हाँ ये भी ऑरेंज कलर की है एंड जो लास्ट चीज़ है मेरे पास वो है वेफर्स सो वेफर्स खाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई तो ये सारे मेरे स्नैक्स है अब लेट्स ओपन देम और सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस फॉर दिस भगवान का नाम लेके हम ये ओपन करेंगे जोर से बोलो जय माता दी डोंट नो ये चीटिंग है भाई पैकेजिंग बाहर से ऑरेंज है और अंदर से इट्स व्हाइट आई कैन हैव इट सो मेरे पास एक और जुगाड़ है एक मिनट रुको तो वो जुगाड़ है मेरी कैंची भी पेंट लगा हुआ है प्रॉब्लम विद एवरी आर्टिस्ट इसमें मेरे को हल्का हल्का येलो लग रहा है बट इट्स प्रॉपर ऑरेंज इन कलर गाइस जस्ट लेट मी नो कितनी बार होता था व्हेन वी हैड अ स्कूल और हम लोग घर पे आते थे और मम्मी हमको ये टांग देती थी या फिर स्कूल में कोई एक ना एक ऐसा बच्चा होता था जो अपनी बोतल में आता ग्लूकोज लाता था या फिर टांग लाता था हाँ उनमें से एक मैं ही हूँ बच्चा तो This flavor is such a nostalgia for me. मैंने सही में आई थिंक पास्ट 3-4 ईयर्स से तो बिल्कुल नहीं पिए तब से मैं अपने 11th 12th किया है तब तो मैंने बिल्कुल नहीं पिया था और अब तक है स्कूल ही पास कर लिया बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 12th कि भाई तुम्हारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं बट थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी रिगार्डिंग एडमिशंस एंड ऑल सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंट्रेंस टेस्ट और कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जुगाड़ के लिए लेट मी नो तो ये पीते पीते स्नैक्स टाइम खत्म हो गया आई विल मीट यू स्ट्रेट अवे एट डिनर और ये बस खाने पीने की वीडियोस हो रही तो मेरे को बुकर मत बोलना क्योंकि सही में मैं नहीं खाता इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज अदरवाइज अगर आप लोगों में रियल डाइट जाननी है इंस्टाग्राम पे आ जाओ मैंने वहाँ पे बता रखा है मैं क्या खाता हूँ बोलते हैं सो लेट्स मेक द लास्ट मील फॉर द डे पनीर टिक्का टेक दिस इंग्रेडिएंट्स एंड अब मैं कुछ नहीं मैरिनेशन के लिए पहले सबसे पहले दही डालूंगा दही के अंदर आई एड ऑल द स्पाइसेस दैट इज रेड चिली टर्मरिक धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यार स्पाइसेस ऐड होने चाहिए ढंग से अब मैं इसके अंदर डालूंगा रायता मसाला आप लोगों का चाट पाउडर वो डाल देना और गर्म मसाला विद सम सॉल्ट टू टेस्ट अच्छे से अगेन इसको मिक्स कर लो नाउ अब मैंने सरसों का तेल लिया है प्लीज़ इसको अलग मत समझना बट हाँ इसको अच्छे से गर्म कर लो जब तक ऐसे फ्लेम्स ना आ जाए एंड देन उसको इसके अंदर डाल दो तो एक अलग तंदूरी सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर देन मैंने टमेटोज अनियन और पनीर को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दिया है फॉर 15-30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट मैं इसको एक स्टिक के थ्रू डालूंगा एंड स्टिक मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा है अब एक तवा गर्म हो चुका है आई पुट इट ऑन तवा दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है आप लोग इसको डायरेक्टली गैस पे भी गर्म कर सकते हो तो मैंने दोनों तरीके से बना के देखा था और मुझे गैस वाला पर्सन ज़्यादा अच्छा लगा उफ भाई बहुत थक गया दिस 24 आवर्स वाले चैलेंजेस तो पूरे दिन फोन यहाँ पे लेके घूमो रिंग लाइट यहाँ पे लेके घूमो बट फाइनली हम लोग डिनर टाइम पे आ चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मील फॉर द डे जो ऑरेंज कलर की होने वाली है तो यहाँ पे मैंने पनीर टिक्का बनाया है और दिस इज ऑरेंज इन कलर इंक्लूडिंग सम ब्लैक जो जल चुका है काला पनीर टिक्का बाहर जाने को नहीं मिल रहा है वी हैव ट्राइड दिस एंड अगर आप लोग भी ट्राई करो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो मैंने इसमें से टमेटोज और प्याज हटा दिया है क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑरेंज कलर का नहीं होता तो यहाँ पे डिनर खत्म होता है लेकिन चैलेंज अभी पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो सरप्राइज एलिमेंट है वो है सो ये रही ऑरेंज बार एंड मेरे को अपने स्कूल के डेज याद आ गए प्रॉपर छुट्टी के बाद या तो सोडा होता था या फिर ये आइसक्रीम होती थी
बिकॉज दिस यूज टू बी द मोस्ट सस्ती आइसक्रीम, या फिर अगर आप लोगों को चॉकोबार पसंद है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, क्योंकि वो भी हमने बहुत ज्यादा खाई है। हाय बैक, वैसे तो मैंने वीडियो एंड कर दिया था लेकिन मैं एक चीज भूल गया जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, जेली। और ये मैंने बहुत अरमानों से बनाई थी इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट में खा लेंगे अगले दिन। तो आई एम ईटिंग दिस जेली, सो यस लेट्स एंड द वीडियो नाउ क्योंकि अगले दिन हो चुका है, इट्स मोर देन 24 आवर्स, या फिर कह लो कि एक्चुअल 24 आवर्स, बट मैंने यहाँ पे 5 meals दिखा दी ऑलरेडी। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन एंड कॉमेंट डाउन बिलो, इट्स योर ओन चैनल द ब्राउन ब्रैट, तो यार इतना तो बनता है एंड वी हैव टू कम्प्लीट अ ह्यूज माइलस्टोन, वी आर वेरी क्लोज टू दैट, तो उसको फटाफट से आके पूरा कर दो। मुझे चैलेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, एंड में कलर चेंज हो गया था, आई थॉट कि मैं वापस से टी शर्ट चेंज कर लूँ, बट फिर सुबह का आलस तो, और इतने मुश्किल से मैंने हेयर स्टाइल बनाई है वापस से सारी चीज़ें की, तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट चाहिए इसी चीज़ के लिए। एंड दी आर सम ऑफ माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप लोग मुझे यहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइज टू शो योर इंटरेस्ट, आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ऐसे ही मुझे बताते रहो, आई विल डू द सेम, आई अपलोड माई वीडियोज वेंसडे एंड सैटरडे अंटिल वी मीट। Babu, 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 babu